अक्सर फिल्मों में हॉट व बोल्ड सीन देखकर लोग बोल उठते हैं कि एक्ट्रेस ये सब कैसे कर लेती हैं। कई बार तो लोग जबरदस्त इंटीमेट सीन देने वाली एक्ट्रेस को कुछ अलग ही नजरों से देखते हैं। शायद अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि ये सीन कैसे शूट होते हैं और ना ही उन्हें बॉडी डबल के बारे में पता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि ये सब कैसे शूट होता है। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात पॉर्न की दुनिया से बॉलीवुड में आई अभिनेत्री सनी लियोनी की कर लेते हैं। जब तक सनी पर आरोप लगते रहे कि वो बॉलीवुड को पॉर्न की तरफ ले जा रही हैं, उनकी फिल्म एक पहेली लीला एक ऐसी ही फिल्म है। लेकिन क्या आपको मालूम है, किसी फिल्म में काम करने से पहले उनकी एक खास मांग रहती है कि वह अतरंग दृश्य वह अपने पति डैनियल वेबर के साथ करेंगी। ऐसे में हीरो के बजाय उनके पति डैनियल वेबर उनके साथ होते हैं। नंबर टू पर है फिल्म सात खून माफ। माना जाता है कि प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में जितना बोल्ड हो सकता था उससे ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। एक सीन में प्रियंका चोपड़ा को अपना टॉप उतारना था, उन्होंने वह भी किया था। लेकिन सच ये है कि सीन में प्रियंका के बिना कपड़ों की दिख रही पीठ उनकी नहीं थी। सीन में एक बॉडी डबल बैठी थी जिसने इस हॉट सीन को दिया था। नंबर थ्री पर है चंबल की डकैत। फूलन देवी की जिंदगी पर आधारित बैंटिंग क्वीन को तब की सबसे ज्यादा बोल्ड सीन वाली फिल्म माना गया था। फिल्म में ऐसे सीन थे भी। कहा जाता है कि फिल्म की लीड हीरोइन सीमा विश्वास ने इस फिल्म में सीमाओं से आगे जाकर बोल्ड सीन दिए थे। लेकिन जब बात आती थी न्यूड सीन देने की, तब नदी के पास कपड़े उतार कर बैठने की, तो उनका धैर्य जवाब दे गया था। तब वहाँ सीमा खुद नहीं बैठी थी बल्कि यह दृश्य उनकी एक बॉडी डबल ने किया था। नंबर फोर, बॉडी डबल को लेकर और बॉडी डबल से हॉट दृश्य की शूटिंग कराने को लेकर सबसे चर्चित फिल्म है एक छोटी सी लव स्टोरी। फिल्म आई थी तो लोग देखकर दंग रह गए थे। मनीषा कोइराला ने आखिर कैसे इतने अतरंग दृश्य के लिए हामी भरी थी। लेकिन इनकी सच्चाई वह नहीं है जो लोग फिल्म देखकर सोचते हैं। फिल्म के ज्यादातर बोल सीन मनीषा कोइराला की नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने किए थे। नंबर फाइव, बोल दृश्य के लिए कुछ दिनों पहले तक सबसे बड़ा नाम मलिका शेरावत थी। उनकी फिल्म हिस में जबरदस्त उत्तेजक दृश्य थे। उन दृश्यों से रातों रात मलिका को बोल्ड हीरोइन की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद मलिका ने खुद भी इसे बुनाने के लिए प्रचार करना शुरू किया कि वे दृश्य उन्होंने खुद ही फिल्माए हैं। लेकिन असलियत ये है कि उनके दृश्य को मलिका के बॉडी डबल ने किए थे। उनके भाई और फिल्म के सह निर्माता ने खुद इसका खुलासा किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।